अब आती है इन्वेस्टमेंट की बात। देखिए ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स होते हैं या तो वो एंड यूजर्स होते हैं क्योंकि जाहिर है उन्हें या तो रहना होता है या फिर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। गवादर क्योंकि अब ऐसी एक जगह है जहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानीज चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन हासिल करें उनके इन्वेस्टमेंट सिनेरियोस के लिए क्या जगह बेहतर है और प्रोसेस क्या होगा। जवेरिया बहुत आसान तरीका है, आज दुनिया में इंटरनेट ने इतनी चीज़ें आसान कर दी हैं। आप जहाँ पे भी आपको कोई भी एजेंट जगह बता रहा है उसका पिन पॉइंट या उस जगह का नाम लेके आप गूगल अर्थ या गूगल मैप पे डालेंगे, आप देखेंगे कि यार उसके सराउंडिंग में कुछ आबादी है या उसकी सराउंडिंग में कोई गवर्नमेंट की स्कीम या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट, नॉट सोसाइटी, गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई यूनिवर्सिटी बन रही हो, कोई हॉस्पिटल बन रहा हो, कोई ब्रिज बन रहा हो, क्या वो जगहें उसके आसपास बन रही हैं। आप गूगल पे देख सकते हैं, आप गूगल अर्थ पे देख सकते हैं, अगर उसके आसपास कोई जगह बन रही है, अगर उसके आसपास कोई जगह है, आपको दुनिया के कोने में बैठे हुए सब चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं आज आपके प्रोग्राम में ये बात बताऊं, जिस जगह पे हम कहते हैं, जिस जगह पे हम लोगों को दो साल से मशवरा दे रहे हैं कि जी आप फेज़ वन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब ये वहाँ पे अगर आप आज भी गूगल पे डालेंगे ना गवादर डेवलपमेंट जिना एवेन्यू एयरपोर्ट रोड, आपको जितनी भी डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं आपको गूगल पे नजर आएंगे वहाँ पे बनते हुए, उनके नाम, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी हर चीज़। तो आज मैं नहीं समझता कि कोई भी ओवरसीज क्लाइंट जो है वो ये कहता है जी हम बेवकूफ़ बन गए। बेवकूफ़ आप अपनी मर्जी से बने हैं। बिल्कुल।